नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि रूखी सूखी बेजान त्वचा के लिए आप घर पर कौन सा पैक बनाकर इस्तेमाल करें। दोस्तों, अक्सर रूखी सूखी बेजान त्वचा की समस्या सर्दी के मौसम में ज्यादा होती है, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी में नमी की कमी हो जाती है ठंडी हवाओं के कारण, ठंडे मौसम के कारण। इसलिए इससे आपकी त्वचा रूखी और सूखी हो जाती है। इसके अलावा अगर आप धूल मिट्टी में बहुत ज्यादा रहते हैं, बाहर जाते समय खुद की केयर नहीं करते, तो भी आपकी स्किन शुष्क यानी कि रूखी सूखी हो जाती है। इसके लिए आप घर पर ही एक पैक बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बाजार की महंगी महंगी क्रीम्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, उससे आपकी स्किन और भी ज्यादा खराब हो सकती है। ये प्रोडक्ट्स पूरी तरीके से नेचुरल हैं और ये बहुत ही पुराने समय से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये प्रोडक्ट्स अक्सर आपके घर में आपकी मम्मी, आपकी दादी, आपकी नानी ने यूज किए होंगे और उनकी स्किन पर नेचुरल ग्लो भी होता है, क्योंकि वो नेचुरल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसके लिए किन किन प्रोडक्ट्स की जरूरत होगी। इसके लिए आपको बेसन की जरूरत होगी, हल्दी पाउडर चाहिए, शहद चाहिए और दूध चाहिए। इसके लिए आपको एक चम्मच बेसन, एक चम्मच दूध, थोड़ी सी हल्दी, बहुत ज्यादा आपको हल्दी नहीं लेनी है, थोड़ी सी हल्दी। हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, ये आपके स्किन की और भी प्रॉब्लम्स में आपको फायदा पहुंचाएगा, जैसे कि कटने, छिलने या फिर फुंसियों की समस्या आपको है तो उसके लिए भी ये ठीक है। इसमें आप एक छोटा चम्मच शहद डालिए। एक छोटा चम्मच आप इसमें शहद डालें और इस पैक को तैयार करें। आप जरूरत के अनुसार सामग्री ले सकती हैं, जितने पैक की आपको नीड है आप उतनी सामग्री ले सकती हैं। लीजिए, आपका ये पैक तैयार है। अब इस पैक को अपनी स्किन पर लगाइए, अपने चेहरे पर लगाइए। 15-20 मिनट तक आप इसे ऐसे ही लगा रहने दीजिए, उसके बाद इसे सादे पानी से धो लीजिए। इससे आपकी ड्राई स्किन की समस्या पूरी तरीके से दूर हो जाएगी, आपकी स्किन हेल्दी बन जाएगी, आपकी स्किन में जान आएगी, वो चमकने लगेगी, वो मुलायम हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।